V1 फ्लैश और गोडोक्स का ट्रिगर X1, हम इनको कैसे कनेक्ट करते हैं और आउटडोर फोटोग्राफी में जब हम आते हैं तो इनको हम कैसे यूज़ करते हैं, तो आज हम इन्हीं के बारे में सीखेंगे कि वो हम किस तरह से कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद हम उसकी लाइट की सेंसिटिविटी जो है कम ज़्यादा किस तरह से करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यह है हमारा X1 Godox का ट्रिगर और यह है हमारी प्लस V1। V1 फ्लैश के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि V1 फ्लैश जो है हमें फ्रंट में गोल गोल फ्लैश मिलती है, इसका राउंड शेप होता है जिससे हमारी लाइट थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। आम जो फ्लैश आती है वो हमारी चौरस मिलती है जिससे हमें लाइट को सेंसिविटी को फैलाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम तो कुछ नहीं आता बट इसकी ज़्यादा लाइट अच्छी फैलेगी क्योंकि ये राउंड शेप में आई हुई है। ठीक है, अब हम इस फ्लैश के बारे में बात करेंगे। थोड़ी सी मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता हूँ। ये फ्लैश जो है इसमें हमें बैटरी मिलता है जिसमें हम बैटरी लगाते हैं और बैटरी के हमें लगभग 500 क्लिक आराम से मिल जाते हैं इसके फुल पावर के साथ में। तो हम इस फ्लैश को ऑन करते हैं और ट्रिगर को ऑन करते हैं और इन दोनों का हम कनेक्टिविटी चेक करते हैं। ओके दोस्तों, ट्रिगर को हमने यहाँ से ऑन किया और अब हमने इस फ्लैश को ऑन किया। ओके, अब इसके बाद हम इन दोनों का चेक करेंगे कि दोनों कैसे हमारा इसके साथ में कनेक्टिविटी होती है। तो ये RESTका जो स्विच है इससे हम इसको प्लस प्रेस करके इसको हम रिसेट कर लेंगे सबसे पहले, और हमारे ट्रिगर में भी यही ऑप्शन आ रहे हैं। तो हम सबसे पहले चैनल देखेंगे कि हमारा चैनल क्या है। फिलहाल मैंने इसको सेट करके रखा था इसलिए बराबर सेट है, लेकिन अब चैनल के लिए हम ट्रिगर के इस स्विच को दबाएंगे और चैनल को सेट करेंगे कि चैनल हमारा क्या आएगा। तो हम इसको हम डबल प्रेस करेंगे तो हमारा चैनल जो है वो ब्लैंक होने लग जाएगा, इस तरह से चैनल प्रेस होने लग जाएगा। और हम डायल को घुमाएंगे तो हमारा चैनल 1, 2, 3, 4 जैसा भी हम सेट करना चाहते हैं 32 चैनल तक इसमें मिलते हैं हमको। तो हम फर्स्ट चैनल या सेकंड चैनल कोई सा भी जो चूज़ करना है, क्योंकि अभी फिलहाल एक ही फ्लैश को यूज़ कर रहे हैं। अगर हमें दो फ्लैश यूज़ करना है तो आप दो चैनल पर अलग अलग फ्लैश को सेट कर सकते हैं ताकि आप अलग अलग आपकी फ्लैश को डायरेक्शन देकर आपकी लाइट को कम ज़्यादा कर सके। तो हम फर्स्ट चैनल को भी सेट कर लेते हैं। ओके, और हमारा ऐसा ही इसमें फ्लैश में भी है कि हमारा चैनल कौन सा है। तो इसमें CH जो लिखा हुआ है यहाँ पर फर्स्ट लिखा हुआ, तो ये हमारा फ्लैश CH मतलब चैनल और हमारा ट्रिगर भी चैनल पे आ गया। तो इससे हमारी फ्लैश जो है कनेक्ट हो चुकी। तो हम अब इसको फ्लैश करके देख लेंगे एक बार कि हमारी फ्लैश कनेक्ट हुई कि नहीं। ये टेस्ट मार के देख लिया हमने तो हमारी फ्लैश कंप्लीट कनेक्ट है। इसके बाद हमारी आती है सेकेंड जो हमारा ऑप्शन है उसको हम आता है कि हमारा फ्लैश को हम कम ज़्यादा कैसे करें, हमारा डायरेक्शन कम ज़्यादा कैसे करें। तो हमने फर्स्ट चैनल को ए पे रखा है, सेट हमारा जो गियर है वो ए पे रखा है, तो ए ब्लैंक हो रहा है हमारा इसमें, और हमने फ्लैश के अंदर भी हमारा ए सेट करके रखा है। तो स्लेव के आगे आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर ए चैनल ए पर सेट है। तो ए पर जब हम सेट करेंगे तो हमारा अभी फ्लैश जो है 1/28 पर चल रहा है। तो दोस्तों ए पर हमने सेट किया, ए पर सेट करने के बाद हमारा मोड को हम क्लिक करते हैं। तो मोड में हमारा TTL मोड है, TTL मोड के बाद ये M आया तो मैनुअल मोड, इसके बाद हमारा ऑटो मोड आ गया, इसके बाद फिर से TTL मोड। तो हमको मैनुअल पे शूट करना तो मैनुअल पे हमने लेकर हमारी फ्लैश का कम ज़्यादा डायरेक्शन हम इस तरह से कर सकते हैं। जैसे 1/64 आ रहा है तो 64 मतलब हमारा कम पर चलेगा फ्लैश, और 1/28 तो हमारा और फ्लैश कम हो जाएगा। इसके बाद हम इसको कम करते जाएंगे तो हमारा फ्लैश का पावर जो है बढ़ता जाएगा। ये 1/1 पे रखेंगे तो हमारी फ्लैश सबसे ज़्यादा पावरफुल चलेगी। तो अब हम डे लाइट में आए तो डे लाइट में हम 1/1 पर यूज़ करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा क्या कम ज़्यादा फ्लैश का डायरेक्शन हो रहा था। हम उस हिसाब से हमारा फ्लैश को 1/2 करके उसका हाफ प्रेस का हाफ यूज़ कर सकेंगे, और 3 पर जाएंगे 4 पर जाएंगे हम तो और हमारी फ्लैश कम होती जाएगी। तो इस तरह से आप ट्रिगर को फ्लैश को कनेक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिगर और फ्लैश हमने कनेक्ट कर लिया। इसके बाद हमें आउटडोर फोटोग्राफी के लिए जो हमारा इक्विपमेंट एसेसरीज लगती है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारे पास है अभी एक स्टैंड जो ये इस तरह का है, जो 14 फीट का स्टैंड है, कुछ इस तरह का स्टैंड आपको चाहिएगा। इस पर हम फ्लैश को ब्रैकेट की सहायता से लगाएंगे। तो एक ब्रैकेट मेरे पास है तो हम ब्रैकेट को यूज़ करके बता देता हूँ आपको ब्रैकेट को किस तरह से लगाएंगे इसमें हम। ये हमारा ब्रैकेट है, तो इस ब्रैकेट को हम इस तरह से स्टैंड पर सेट कर लेंगे पहले, ताकि इसमें हम फ्लैश को आराम से सहायता से और ज़्यादा स्टिकली हम बिल्कुल अच्छे से फिट कर दें। ये ब्रैकेट हमारा रेडी हो गया। इसके बाद हम फ्लैश को इस तरह से इसमें ब्रैकेट अंदर लगा देंगे ताकि हमारी फ्लैश गिरे नहीं और आसानी से हमारा इसमें कनेक्ट हो जाए, और हम उसके बाद इसका सॉफ्ट बॉक्स का फ़ायदा उठाएंगे। ये फ्लैश हमारी कनेक्ट हो गई। इसके बाद हमारे पास है एक गोडोक्स का 80 सेंटीमीटर का ओक्टा बॉक्स, जिसे हम कुछ इस तरह से आसानी से जॉइंट कर लेंगे। काफ़ी बड़ा आता है और इस तरह का आप ओक्टा बॉक्स यूज़ करेंगे तो आपकी लाइट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। गोडोक्स का ये ओक्टा 80 सेंटीमीटर का, इसके साथ में एक ग्रिड भी आती है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं।
अगर आपको लगता है कि आपको ग्रिड की जरूरत पड़े तो ग्रिड के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ पहले वीडियो में कि भैया ग्रिड में भी हम किस तरह से हमारे फोटो को और वीडियो को हम सॉफ्ट ज़्यादा बना सकते हैं। ग्रिड में जो है लाइट हमारी फेल कर नहीं आती और लाइट ज़्यादा अच्छी आती है। अगर आपको ओक्टा बॉक्स लगाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि आप ओक्टा बॉक्स को किस तरह से आसानी से असेंबल कर सकते हैं। तो ऐसे आप इसको पहले बीच में रखिए, बीच में रखने के बाद आपका जो इसमें बीच में जो रोड आता है उस रोड को पहले सेट कर लीजिए इसके अंदर, ताकि आपको ये बार बार फैलने में दिक्कत नहीं आएगा और बार बार समस्या नहीं आएगी कि आपको लगाने में कुछ दिक्कत आ रही है। पहले इसको इसके साथ में सेट करना है, इस तरह से पूरा फिट नहीं करना है, आधा अधूरा छोड़ना है इसको। आधा अधूरा छोड़ने के बाद इसको अंदर डालना है। अंदर डालने के बाद इसमें एक एक जो आपकी इसमें ब्लॉक दे रखे हैं, इस ब्लॉक के अंदर आपको एक एक को सेट करना है। ओके, अब इसको हमको इधर इस पे सेट करना पड़ेगा। जो ब्रैकेट था हमारा, ब्रैकेट के साथ में इसको हम आगे से इस तरह से सेट कर देंगे। लाइटिंग को सॉफ्ट बनाने के लिए इसमें हमें थोड़ा सा एक क्लॉथ मिलता है जिसे हम आगे सेट कर सकते हैं हमारे ओक्टा बॉक्स के सामने इस तरह से। और इसके बाद हमें एक ग्रिड भी मिली है, जो ग्रिड को भी हम लगा सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम ग्रिड को नहीं लगाएंगे क्योंकि हम ओनली इससे ही संतुष्ट हैं कि अभी हम इससे किस तरह से काम कर लें और अच्छा हमारा वीडियो बन जाए, हमारा अच्छा फोटो क्लिक हो जाए। तो इस पर हम इस तरह से कुछ लगा देंगे इसको। और इसके बाद भी अगर आपको और सॉफ्ट लाइट चाहिए तो आपको मतलब कि इसके आगे ग्रिड को इस तरह से लगा देना है। फिलहाल मैं ग्रिड को यूज़ नहीं करूँगा, मैं ओनली अभी इसको डे लाइट में हम आए तो ज़्यादा हम लाइट को यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए हम अभी फिलहाल सॉफ्ट बॉक्स को यूज़ करके ग्रिड को नहीं लगाएंगे। आपको मैं लगाने के लिए बता रहा हूँ ओनली ग्रिड, के ग्रिड इस तरह से लग जाती है और आगे हमारी जो लाइट है वो पूरी कवर होकर सामने फ्रंट पर गिरेगी, आसपास हमारे इसके बॉक्स पर नहीं आएगी लाइट इस तरह से। तो ग्रिड में फिलहाल निकाल लेता हूँ और अभी हम सॉफ्ट बॉक्स के साथ में काम कर लेते हैं, उसके बाद हमें अगर ज़रूरत लगेगी तो हम ग्रिड भी लगा लेंगे। दोस्तों हमने अभी ओक्टा बॉक्स को हमारे सब्जेक्ट के बिल्कुल फ्रंट पे लगाया पास में, और हमने ऐसे सब्जेक्ट को ऐसे कंडीशन पे रखा है कि हमारा पीछे बैकग्राउंड जो है बहुत ज़्यादा लाइट है और हमारा सब्जेक्ट जो है वो भी डार्क शेड में बैठा है, तो हम शेड से हमारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे हमारी फ्लश की सहायता से। और बैकग्राउंड को हमने हमारे कैमरे के हिसाब से सेट कर लिया और एक क्लिक करके देखते हैं हमको हमारा दोनों का मैनेज कैसे होता है कि हमारा बैकग्राउंड भी बराबर प्रॉपर लाइट में आ जाए और हमारा सब्जेक्ट भी उसी लाइट में आए। तो सब्जेक्ट के लिए हमने लाइट को सेट कर दिया और एक क्लिक करके हम देखते हैं कि हमारी पिक्चर क्या बनती है। यस रेडी, दोस्तों काफ़ी अच्छी पिक्चर आई है। इसमें हमारा स्काई भी जो है बिल्कुल ब्लू कलर का आया है, जो अब बहुत ज़्यादा लाइट दिख रहा है यहाँ से अगर हम देख रहे हैं, और हमारा सब्जेक्ट जो है अभी डार्क में, लेकिन अभी हमने ओक्टा बॉक्स की सहायता से फ्लश को सेट करके हमने हमारे सब्जेक्ट और बैकग्राउंड को दोनों अच्छे से बना लिया। अब इसके बाद मैं आपको हमारी सेटिंग बता देता हूँ कि हम जो ट्रिगर और जो फ्लश यूज़ कर रहे हैं V1 का, वो हम सोनी कंपनी का यूज़ कर रहे हैं एस माउंट में, और इसका हमने जो सेटिंग रखा था वो था हमारा 1600 का शटर स्पीड रखा था हमने, और 1.8 पर हम हमारे लेंस को यूज़ कर रहे हैं जिससे हमारी पिक्चर ब्लर अच्छी आई है, और 50mm का हमने लेंस इस पर यूज़ किया है, और ISO हमारा इसमें है 50 का, 50 का ISO हमने रखा था। तो इस तरह की पिक्चर आई, कुछ एक पिक्चर एक दो पिक्चर हम देखते हैं और ऐसी कंडीशन में ही लेके देखते हैं कि हमारा ओक्टा बॉक्स और हमारा कैमरा इसके साथ में कैसे सेट हो सकता है। चलिए दूसरे शूट पर करते हैं।
तो दोस्तों अभी हम एक शूट और करके देखते हैं और पूरा हम सनलाइट में आए हैं, जिससे हमारा सब्जेक्ट भी के उस पर शेड भी है और हमारे सब्जेक्ट के इसमें लाइट भी है। तो लाइट वाले कवर को हम हमारे कैमरे के ISO और अपर्चर वगैरह सेट करेंगे और हमारे सब्जेक्ट का जहाँ शेड आ रहा है वो हम फ्लस से सेट करेंगे। फ्लस की हमने सेंसिटिविटी भी फुल रखी है, 1/1 पर चला रहे हैं हम फ्लस को, V1 को, जिसका इसका फुल पावर है उस फुल पावर पर हमने रखी है। अब हम क्लिक करते हैं और सेम हमारी सेटिंग है जो हमने पिछली बार रखी थी वो की वही हमारे कैमरे में सेटिंग है। 1600 का शटर स्पीड है और 1.8 का अपर्चर है और हमारा ISO 50 का। तो दोस्तों एक शूट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यस, सामने देखिए, स्माइल स्माइल, इधर इधर कैमरे में। यस दोस्तों, अब इस पिक्चर में आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा कि हमारी जो लाइट है वो सब्जेक्ट के ऊपर किस तरह से आई है और हमारा बैकग्राउंड किस तरह से हमारा सेट हुआ है। अगर आप ये बिना लाइट के और बिना स्पीड लाइट के अगर शूट करते हैं तो आपकी पिक्चर इस तरह की नहीं आ सकती है। एक शूट और हम इसी लोकेशन पर, सेम लोकेशन पर करते हैं, हमारे सब्जेक्ट को थोड़ा सा अपोजिट साइड में रख के पलटो। हाँ, इस तरफ। यस, यहाँ पर। ओके, अब हमने थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज किया हमारे सब्जेक्ट का और हमारे फ्लश को हमने इस तरफ हमारे सब्जेक्ट के सामने कर दिया है। अब इस तरह से हमारा इस साइड से फ्लश आएगा, इस तरफ से हमारी लाइट की जो डायरेक्शन है सनलाइट की वो इस तरफ है। और अब हम क्लिक करके देखते हैं कि हमारा पिक्चर कितना अच्छा बनता है। थोड़ा सा इधर टर्न करो, एक बहुत अच्छा बनता है। यस, थोड़ा सा अब इधर फ्लश की तरफ। यस, हाँ, रेडी। यस, बहुत परफेक्ट पिक्चर आया है, बहुत अच्छा पिक्चर आया है। इसमें हमको बार बार सेटिंग भी चेंज नहीं करना पड़ रहा क्योंकि हमारी जो सेटिंग है वो हमारी फ्लश के साथ में कनेक्ट हुई हुई है। तो हमारे फ्लश का डायरेक्शन अगर हम दूर और पास करेंगे तो हमें हमारे कैमरे की सेटिंग चेंज करना पड़ेगी। इसके अलावा कैमरे की सेटिंग चेंज नहीं करना पड़ेगी क्योंकि सनलाइट जो है वो बराबर आ रही है और हमारी जो पावर है हमने सब्जेक्ट के ऊपर बराबर डिस्टेंस पर सेट किया है। एक शूट और हम करते हैं थोड़ा नया एंगल से और देखते हैं कि हमारी पिक्चर कितनी अच्छी आती है। दोस्तों अभी हम शूट जो कर रहे हैं वो ग्रिड लगा कर रहे हैं क्योंकि हमारे सब्जेक्ट पे थोड़ा हमें हार्श लाइट दिख रही है, थोड़ी ज़्यादा तेज़ लाइट आ रही है। तो अभी हम बिल्कुल क्लोजअप सीन ले रहे हैं तो हमने हमारे सब्जेक्ट के लिए और हमारी लाइट के सामने हमने ग्रिड लगा दी ताकि हमारी लाइट जो है थोड़ी और सॉफ्ट हो जाए। और क्लिक करके देखते हैं, इस फोटो में आपको फोटो देखेंगे तब अब हमको पता चल जाएगा कि हमारे फ्लश क्या और ग्रिड के साथ में फ्लश को हमारा यूज़ करने से हमारा कितना फोटो सॉफ्ट आता है। तो यस, एक फोटो हम ट्राई करते हैं थोड़ा हाई एंगल से लेकर। यस, रेडी। दोस्तों एक ही क्लिक में बहुत ज़्यादा अच्छी पिक्चर आ गई है। सेटिंग हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, हमारे ओनली फ्लश का जो डायरेक्शन है, जो हमारा डिस्टेंस है सब्जेक्ट से, वो हम प्रॉपर बराबर रख रहे हैं, इसलिए हमें सेटिंग में कोई भी चेंजेस नहीं करना पड़ रहा है। और जो पिछला फोटो थोड़ा सा हार्श आया था, थोड़ा सा ज़्यादा लाइट आया था, तो हमारा अभी जो ग्रिड लगाने से फ़र्क आया है वो बहुत ज़्यादा अच्छा फोटो आ गया है। तो एक शूट और हम कर लेते हैं और देख लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंट कि हमारा बैकग्राउंड अगर ज़्यादा डेप्थ में है और ज़्यादा लाइट वाला है तो हम उसको कैसे कवर करके हमारी लाइट के साथ में अच्छा सा ले सकें। दोस्तों अभी हमने हमारे सब्जेक्ट का बैकग्राउंड को ब्लरी लाने के लिए यह सिचुएशन रखी है हमने और हमारे सब्जेक्ट को पोज ऐसा दिया है ताकि हमारा बैकग्राउंड ब्लर ले लें हम और हमारे लाइटिंग के साथ में सब्जेक्ट को कंट्रोल भी कर लें और फ्लश लाइट के साथ में हम फोटो को क्लिक कर लें। यस, रेडी। आइज क्लोज हो गया, बाकी फोटो हमारा बहुत अच्छा परफेक्ट आया। एक फोटो हम ले लेंगे। One more. दोस्तों मैंने इसमें दो एंगल से फोटो लिया, एक लो एंगल से और थोड़ा सा एक हाई एंगल से फोटो लिया है और हमारी फोटो में बहुत ज़्यादा अच्छा अट्रैक्टिव डिफरेंट हमारा फोटो आया है कि हमारा जो बैकग्राउंड है अभी हमारा आसमान जो है बिल्कुल प्लेन है लेकिन फिर भी हमारी नेचुरलिटी बिल्कुल हमारे आसमान की ब्लू कलर की आई है और हमारा सब्जेक्ट बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल अच्छी लाइट में आया कि हमें ऐसा लग नहीं रहा है कि हमने कहीं तक इसमें फ्लश लाइट यूज़ की बिल्कुल क्योंकि हमारा ग्रिड लगाने से हमारा फोटो जो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। दोस्तों हमने जो अभी कैमरा यूज़ किया है उस कैमरे का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर आप हाई स्पीड लाइट को यूज़ करते हैं तो आप ये फोटो किसी भी कैमरे से बना सकते हैं क्योंकि हमने इसमें ना ही ISO को इंक्रीज़ किया क्योंकि ISO 50 का मिनिमम होता है कम से कम 50 का ISO तो हर कैमरे में मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा ISO नहीं मिलता है हमें। और शटर स्पीड हमारा जो होता है वो हमारे लाइट प्लस लाइट स्पीड लाइट है उस हिसाब से कंट्रोल किया। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा अहम भूमिका थी वो थी हमारी शटर की, शटर हमने ज़्यादा बढ़ाकर हमारे सब्जेक्ट को कंट्रोल कर हमने सॉफ्ट वो साथ में हमारी पिक्चर को सॉफ्ट बनाया और हमारी पिक्चर अच्छी निकाली हमने। आपके साथ में मैं सारा फोटो शेयर करता हूँ और देखिएगा आपको इस सॉफ्ट बॉक्स से और V1 Plus का कितना अच्छा फ़ायदा मिला है। अगर आप इससे और ज़्यादा
के इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप इसको नाइट में यूज़ कर सकते हैं, तो नाइट में भी आपकी फोटोग्राफी ज़्यादा अच्छी बनेगी। और आप प्री वेडिंग की फोटो अगर यूज़ करते हैं तो आपको V1 प्लस को यूज़ करना चाहिए। V1 की प्लस भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और हाई स्पीड हमारी ये लगभग 8000 की ले लेती है, जो कि हमने अभी 8000 की यूज़ नहीं की थी, हमने बहुत कम हाई स्पीड पर काम करके भी हमारा फोटो अच्छा बना लिया था। अगर आप और डार्क पिक्चर चाहते हैं 8000 के शटर स्पीड तक जा सकते हैं और आपकी पिक्चर को फ्लश से कंट्रोल कर अच्छी सी अच्छी बना सकते हैं। ये सनसेट फोटोग्राफी में बहुत अच्छी काम करेगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ हमारे वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने नई नई फोटोग्राफी टिप्स के साथ में। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड डे।